गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एटीएसआई इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास के लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलिए कंफर्म ही इससे एक क्वेश्चन आता है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट इसका मतलब ये होता है हमारा कि जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट देखा था, हमने वो क्रिएट कर दिए और हमारा आंसर आ चुके हैं, हमारा बैलेंस सीडी आ चुका है, तब हमें पता लगता है कि हम कुछ पॉइंट भूल गए, ओमिटेड हो गया कोई पॉइंट, तो उसको ठीक करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। इस एनालिटिकल टेबल के थ्रू हम उस एरर को ठीक करेंगे। जैसे अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल गए, तो उस तरह के एडजस्टमेंट को ठीक करने को हम पास्ट एडजस्टमेंट में यूज करेंगे। ये होता है जब हमारे अकाउंट फाइनली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई की कैपिटल है 1 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है 10%। अब प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो है, मान लो प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है। उन्होंने क्या किया, हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारा कुछ भी प्रॉफिट रहा होगा नेट प्रॉफिट, उसमें हम पहले, आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसके बाद जो बचता है उस प्रॉफिट को हम उनके रेशियो में डिवाइड करते हैं। मगर अभी हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, जबकि देना जरूरी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, बीन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितना मिलना था, तो कितना मिलना था, 1 लाख का 10% 10,000, एक्स को मिलना था 10,000, वाई को मिलना था 20,000, अब फर्म ने डेबिट होना था हमारा कितना 30,000 से इनका सम। तो फर्म्स कैपिटल डेबिट टू एक्स वाई, ये एंट्री होनी थी, मगर हमने तो ये किया ही नहीं, हमने ये बिना दिए इसको क्या किया, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए कि हमारा ये प्रॉफिट 30,000 रहा होगा, इसमें से हमें एक्स को 20 देना था और वाई को 10,000 देना था, तो प्रॉफिट हमारा बैलेंस 0 था, मगर हमने क्या किया, इंटरेस्ट दिया ही नहीं, और इसको 30,000 को ही हमने किस रेशियो में बांट दिया, 3:2 में। इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो हम ये खुद लेके चलेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो सम है यही प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 को जो गलत पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है प्रॉफिट के तौर पे, उसको वापस ले लेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। प्रॉफिट जो गलत क्रेडिट हुआ है उसको हम अब डेबिट कर देंगे। तो अब हमें पता है कि टोटल सम तो कितना है, 30,000 प्रॉफिट, यही मान के चलेंगे हम, और कुछ तो है नहीं। तो इस 30,000 को ही हम क्या करेंगे, 3:2 के रेशो में डेबिट में शो करेंगे, फर्म के क्रेडिट में और पार्टनर्स के डेबिट में। 30,000 को 3:2 में बांटते हैं तो एक का आता है 18,000 और एक का आता है हमारा 12,000 और उसका सम हो गया 30,000। अब हम इनका टोटल करते हैं तो आप देखो इसमें इसका डेबिट आ रहा है 18, क्रेडिट है 10, तो क्रेडिट है 10,000, इसका 12 और यहां 20,000। फर्म टैली, फर्म के डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल आ गई। तो क्रेडिट का मतलब, आप इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, एक्स को मिलने थे 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर उसे 10,000 मिलने थे,
पर एक्चुअल में मिले कितने उसे 18,000 जो हमने प्रॉफिट इश्यू किया था, इसलिए हम 8,000 उससे वापस ले लेंगे उसको डेबिट, मतलब 8,000 जो है उसके पास एक्सेस है। एक्चुअल में उसे 10,000 मिल रहे थे बट मिले कितने उसे 18,000 क्योंकि हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया है, तो उसको 8,000 एक्सेस मिले। अब वाई का देखते हैं, y को एक्चुअल में मिल रहे थे 20,000 इंटरेस्ट के तौर पर बट मिले कितने उसको 12,000, तो इसको कम मिले, तो इसको कम कितने मिले 8,000। शॉर्टेज या लेस लिख सकते हैं हम उसे या डेफिशिट लिख सकते हैं, डेफिशिट। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस इनका जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि अगर एक को ज्यादा मिले होंगे तो दूसरे को कम मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि y को जो 8,000 कम मिले और x को ज्यादा मिले तो x कैपिटल डेबिट। x क्या करेगा, किसको पे कर देगा एक्सिस, y को, y इज कैपिटल 8,000। नेगेशन क्या होगी, बीइंग एक्सिस अमाउंट एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट हो गए। एक्स को मिलने थे 10, गलती से उसे कितने मिल गए थे 18, तो क्या किया उन्होंने 8,000 उसने किसको दे दिया, वाई को दे दिया। वाई को मिलने थे 20, मिले थे 12, 8,000 एक्स ने दे दिया, दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया। तो ये एग्जाम्पल आई आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा मैंने ऐड किया है कि इसमें हमें प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट हमें 50,000 गिवन है, कैपिटल भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो सॉरी प्रॉफिट नहीं था। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों की कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट और कैपिटल दिया है, और प्रॉफिट 50,000 है जिसको हमने गलती से 3:2 में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। तो क्या करना था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और फिर क्या करना था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2 में। होना क्या था पहले हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट करके हमने क्रेडिट में लेना था प्रॉफिट 50,000 क्रेडिट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था एक्स का और वाई का। तो कितना कितना था हमारा, इसका 10,000 था, इसका 20,000 था, तो जो टोटल आ रहा था हमारा 30,000। ये हमारा प्रॉफिट था 50 में से 30 गया तो जो हमारे पास बैलेंस बचा 20,000, ये हमारा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। आइए एक्स और वाई में किस रेशियो में बटेगा, 3:2 के रेशियो में। तो 20,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 12,000 और 8,000, 12,8। तो ये एक्चुअल में होना था बट हमने क्या किया, हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ही 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में 3:2 के रेशियो में, जबकि ऐसा होना ही नहीं था। तो अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने गलत दिया हुआ है उसको वापस ले लेते हैं। पहले हम जो चीज राइट है उसे भी कर सकते हैं या फिर जो प्रॉफिट गलत दिया हुआ है उसको वापस ले लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट था उसे हम डेबिट कर देंगे पार्टनरों के अकाउंट से वापस लेंगे। तो 50,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो 50,000 को 3:2 में करेंगे तो एक का आएगा 30,000, वाई का आता है 20,000 और फर्क क्रेडिट हो जाती है 50,000।
तो ये तो हमने उनके अकाउंट से वापस ले लिए। अब उनको देना क्या था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था। कितना कितना होना था, एक्स को मिलना था 10,000, वाई को मिलना था 20,000, और फर्म के डेबिट में आना था 30,000। और इसके बाद जो 30,000 के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट था ये भी इनको ही मिलना था। प्रॉफिट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, प्रॉफिट जो क्रेडिट होना था, जो बैलेंस प्रॉफिट था 3-2 में जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो 3-2 में जो बैलेंस प्रॉफिट था आपने 12,000 8,000 ये भी क्रेडिट होना था, 12,000 8,000 और फर्म के लिए कितना 20,000 डेबिट। तो अब फर्म का टोटल करते तो इसका तो दोनों साइड डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रही है। अब एक्स को देखते हैं, एक्स को एक्चुअल में जो मिलना था वो मिलना था उसे 10 और 12 22,000, बट उसे मिला कितना है 30,000, तो उसे कम मिला है, तो 8,000 उसका डेफिशिट हो गया, डेफिशिट। वाई का चेक करते, वाई को मिलना था 28,000, इसमें क्या है, इसको मिलना था 10 और 12 22, मगर इसे 30,000 मिला, इसका मतलब इसको एक्सिस मिल चुका है, तो ये एक्सिस आएगा। y का चेक करेंगे तो y को 20 और 8 जो क्रेडिट में वो मिलना था एक्चुअल में, तो इसको 28,000 मिलना था, बट एक्चुअल में इसे मिला कितना है 20,000, तो इसे 8,000 कम मिले, 8,000 का इसका डेफिशिट हो गया। तो इस केस में हम वही एंट्री करेंगे, जिस पार्टनर को कम मिले डेफिशिट है तो वो क्रेडिट, और जिसको एक्सेस मिला वो डेबिट होके वो दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर देगा। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल बीइंग एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पार्ट एडजस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में समझ रहे हैं। बाकी जो इस रिलेटेड पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इस पॉइंट को समझिए, और अगर आपके कोई डाउट्स होते तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करती रहिए, ताकि सब लोगों तक जो इस नॉलेज को लेना चाहते हैं उन तक ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।